بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सालेहा है और एक डेढ़ माह पहले मुझे गले का कोई इशू हुआ तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का कहा और ऑपरेशन काफ़ी सीरियस था। 4 to 5 आवर्स का ऑपरेशन था। उसके बाद मेरी रिपोर्ट भी आनी थी। ऑपरेशन हुआ, बहुत तकलीफ़ में थी मैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। एक दिन मैंने फेसबुक पे सदफ का सुना कि वो सूरह रहमान का बता रही थी कि इस तरह सुननी है, 7 डेज़ और गैप नहीं आना बीच में। तो मैं काफ़ी डिप्रेस थी। मैंने सोचा कि जो ट्रीटमेंट मैं ले रही हूँ वो तो चलो एक तरफ है, लेकिन ये जो हमें अल्लाह का कलाम है ये सुनना चाहिए, इससे तो बहुत सुकून मिलता है और फ़र्क भी पड़ता है। मैंने 7 दिन कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान सुनी बग़ैर किसी गैप के, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र कि अब मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। ये जो आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती थी, और अगर निकलती थी तो बहुत सारी साउंड्स आती थी। तो अब मैं बहुत 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 बेहतर फील कर रही हूँ। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 2-3 रिपोर्ट्स तो बिल्कुल सही आई हैं और 2-3 और होनी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि वो भी ठीक आए। और बहुत मतलब अच्छा और सुकून वाली फीलिंग है जो सूरह रहमान सुनने के बाद आपको आती है, पहले दिन, उसके बाद दूसरे दिन, और कंटिन्यूस 7 डेज़ आप जब सुनो तो आपको एक अजीब किस्म का सुकून और तसल्ली होती है। तो आप लोग भी सुने, जिसको कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है वो इसको सुने, लेकिन अपने दिल से सारी नफ़रतें, शिकायतें और सब कुछ निकाल के। थैंक यू। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان